यूपी की जनपद बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस के बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने इनके कब्जे से दो देसी तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर पुलिस की माने तो पकड़े गए शातिर चोर जनपद समेत आसपास के अन्य जनपदों में भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से जो चोरी की बाइक बरामद की है, उनमें से 7 बाइक नगर व 1 बाइक कोतवाली देहात क्षेत्र से चोरी की गई थी, जबकि पुलिस बाकी शेष 3 बाइकों को ट्रेस कर ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन बाइकों को कहां से चोरी किया गया था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि दोनों शातिर चोरी की बाइकों की नंबर प्लेट बदलकर उन्हें ग्रामीण इलाके में भोले भाले लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ नंबर प्लेट भी बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिरों को जेल की काल कोठरी में भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली नगर में बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। इसके मद्देनज़र सीओसीडी साहब ने अपनी टीम जो कोतवाली नगर की थी उसको एक्टिवेट किया। उसके तहत इन लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि बाइक चोरी करते हैं। फिर इन लोगों ने इनकी मुखबिरी कराई। मुखबिरी के आधार पर एक व्यक्ति पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि कई बाइकें हम लोगों ने कोतवाली नगर से और आसपास से चोरी की है। उनको साथ लेकर के उनके बरामदगी का प्रयास किया गया। उसमें से 11 बाइक्स बरामद हुई हैं। उन 11 बाइक्स में से 7 बाइक जो हैं कोतवाली नगर से ही चोरी हुई हैं और कनेक्ट भी हो गई हैं। मुकदमे उसके कायम थे पहले से। इसी तरह से एक बाइक कोतवाली देहात से कनेक्ट हुई है, उसका भी अभियोग कायम हुआ है, मुकदमा कायम है पहले से। शेष जो बाइक बची हुई हैं उनका नंबर आज से मिलान करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से कोतवाली नगर द्वारा, इसमें एक कोतवाली नगर का रहने वाला अभियुक्त है और एक अभियुक्त जो है मैनपुरी का रहने वाला है। सब साथ कहीं काम करते थे, इनकी अपनी दोस्ती हुई और उसी में प्लानिंग करके लोग चोरी किया करते थे। और सामान्यतः जैसा इन्होंने बताया आप लोगों के सामने, ये पुरानी बाइक्स को उठाते थे जिनको आसानी से इनके लॉक को तोड़ा जा सकता था। हाँ, इस संदर्भ में अभी पूछताछ आगे की जाएगी इनसे, ये 2 ही लोग थे और किसको बेचते थे, कैसे इनकी प्रोसेस थी पूरी। अभी फिलहाल जो इनसे गाड़ियाँ बरामद हुई हैं उनको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर अगर कोई और सिलसिला होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई ना बिल्कुल करते रहे होंगे। अगर चोरी की जा रही तो उसको बेचना ही था इनको, और उस कौन लोग इससे जुड़े थे, कहाँ बेचने की इनकी प्लानिंग थी, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। Time24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।